नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामों का दौर जारी रहा। किसान, पेट्रोल, डीजल और पेगासस के कथित जासूसी के मुद्दे पर मंगलवार को भी राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा जारी रहा। पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में नारेबाजी की। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू लगातार हालात को सामान्य करने की अपील करते रहे। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस और विपक्ष के कार्यों को जनता और मीडिया के सामने एक्सपोज करें। यह मोदी ने साथ ही कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता आजादी के 75वें वर्ष में 75 कामों तक जाएं, सांसद गांव में 75 घंटे तक रुके। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान कार्यकर्ता डिजिटल लिटरेसी पर लोगों को जानकारी देंगे। पीएम ने यह भी कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम सरकारी बनकर न रह जाए। पीएम ने कहा कि सांसद लोगों को देश की उपलब्धियां बताएं। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के पास कृषि कानूनों के लिए अपना कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए किसान बातचीत करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने हमारे प्रस्ताव बिना कारण ही रद्द किए हैं। हालांकि कृषि मंत्री तोमर के इस बयान पर आप विधायक कुलतार सिंह संधवा की बड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। आप विधायक ने कहा है कि कृषि मंत्री तोमर ने किसानों को बिना प्रस्ताव के बताया है, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बिना दिल्ली की सीमाओं से जाने वाले नहीं हैं। कृषि मंत्री तोमर के बयान पर किसान भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रस्ताव पहले ही केंद्र को दे चुके हैं। लोकसभा मेंबर भगवंत मान ने किसान आंदोलन में संघर्ष कर रहे किसानों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए और कृषि कानूनों के विरोध में ऑनलाइन संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। भगवंत मान ने कहा कि संसद में बिना किसी अन्य मुद्दे को उठाए कृषि बिलों को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए पंजाब सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार किसान आंदोलन में शहीद हुए 220 किसानों के परिजनों को नौकरी देगी। और बता दें कि पंजाब सरकार किसान आंदोलन में शहीद हुए परिजनों को पहले ही 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पंजाब सरकार ने अब शहीद किसानों के परिजनों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर भड़की हिंसा पर गृह मंत्रालय बारीकी से नजर बनाए हुए है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है। वहीं दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारी हालात की गंभीरता के मद्देनजर लगातार संपर्क में हैं। खबर है कि सीआरपीएफ की 4 टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है, जबकि 6 टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घायल पुलिस कर्मियों से मुलाकात भी की। बता दें कि असम के कछार जिले में भड़की हिंसा के बाद असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 11 शव, वर्धा और अकोला में 2-2 शव मिलने के साथ वर्षा जनित घटनाओं में मृतकों की संख्या 164 हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सांगली जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और कहा कि 1-2 दिन में आर्थिक राहत देने पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने एक बयान में कहा है कि 100 लोग अब भी लापता हैं और अब तक 2,29,074 लोगों को बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी रणनीति में जुटी हुई है। इस बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं पर विराम लग गया है। दरअसल खुद प्रशांत किशोर ने इस मामले में कहा है कि वह मौजूदा समय में किसी भी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में भी उनकी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं रहेगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने भी उनके शामिल होने को लेकर कोई बात नहीं कही है और न ही इस बात का कोई खंडन किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई को खत्म करने जा रही है। विभागीय स्तर पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति भी बन गई है, जिसके बाद इसे खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर करवाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार की तरफ से दी जा रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए जाने थे, जिसके बाद मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए जा चुके हैं। और फिलहाल सभी विभागों ने अपनी अपनी सूचना साझा की है, जिसके मुताबिक 48 पुराने नियमों और अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाएगा। ओडिशा का पूरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां अब 24 घंटे लोगों को नल के जरिए ही पीने लायक साफ पानी उपलब्ध होगा। नल से आने वाले इस पानी को बिना फिल्टर या साफ किए ही पिया जा सकेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में नल से पेयजल मिशन का उद्घाटन किया है। इस पहल से शहर की 2.5 लाख की आबादी के साथ ही हर साल इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आने वाले करीब 2 करोड़ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा।
फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।